गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, ऑल ऑफ यू। फोर फाइव स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, अभी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे बच्चे, पढ़ने का नहीं है इनको बिल्कुल भी। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। यस मैम। आज की क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। बेटा कल का चैप्टर सबने कंप्लीट कर लिया? फोर चैप्टर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसा कोई बच्चा है जिसको वर्क कंप्लीट नहीं है, जो नहीं कर रहा है वर्क? हम तो कर रहे हैं। Who is not doing their work? Any student? ऐसा कोई बच्चा है जो अपना वर्क नहीं कर रहा है ईवीएस का? मैम तो कर रहे हैं। सब कर रहे हो ना? यस मैम। ओके। यस बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर ईवीएस, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 4 जो था हमारा, कौन सा था? क्लीन टुगेदर वाला जो चैप्टर था, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। यस मैम। क्वेश्चन आंसर से वो भी हो गए हैं हमारे। देन वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, कम लेट्स प्ले गेम्स। चैप्टर का क्या नाम है? कम लेट्स प्ले गेम। कम लेट्स मतलब आओ चलो प्ले गेम्स, गेम्स खेले। ये आपका फेवरेट काम है जो है ना, वही करेंगे आज। सबसे फेवरेट काम बच्चों का क्या होता है? गेम्स प्ले करना है ना, तो वही वाला काम आज करेंगे हम। खेलेंगे नहीं, बस चैप्टर पढ़ेंगे गेम्स का, ठीक है? गेम्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हम। स्टार्ट करें बेटा चैप्टर। यस मैम। कर दूंगी साथ में, मैं समझा भी दूंगी। बेटा देखो, सब बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, खेलते हैं ना? गेम्स तो सब बच्चे yes, खेलते हैं, और बहुत तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। गेम्स अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे गेम्स होते हैं, कुछ हम घर के अंदर भी खेलते हैं, और कुछ गेम्स होते हैं घर के बाहर भी खेलते हैं, होते हैं ना? Yes, ma'am. ठीक। तो देखो, एक डेढ़ साल लॉकडाउन में बच्चों ने ज्यादातर क्या खेले हैं? ऐसे ही गेम्स खेले हैं जो घर के अंदर खेलते हैं, जिन्हें हम कौन से गेम्स कहते हैं? इंडोर गेम। इंडोर ये वाले गेम्स खेले हैं ना बच्चों ने, क्या पेरेंट्स ने भी खेले हैं? ये तो लॉकडाउन में पेरेंट्स ने भी तो खेले हैं बच्चों के साथ, क्योंकि जब पेरेंट्स का भी वर्क, बाहर जाना बंद हो गया था, तो वो भी क्या कर रहे थे? बच्चों के साथ गेम्स खेल रहे थे, जब बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। तो कौन से गेम्स खेल रहे थे? इंडोर गेम्स। अंदर जो खेलते हैं वो इंडोर हो जाते हैं, और बाहर जो खेलते हैं उनको हम कौन से गेम्स कहते हैं? आउटडोर। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि गेम्स कितने टाइप्स के होते हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, गेम्स के क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों खेलने चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रीड भी करूंगी साथ में, और आपको मैं समझा भी दूंगी, ठीक है ना? कितने बच्चे हो गए हैं हमारे? 9-8 स्टूडेंट्स आए हैं। स्वाति नहीं आई क्या फिर आज? नो मैम, नहीं आई। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नरेश, तमन्ना, देशराज, हितांशु, रविंद्र, सोनाक्षी, स्वाति आ गई है, यश। ओके, कितने बच्चे हैं? 8 स्टूडेंट्स ही हैं। कभी कभी 10-11 हो जाते हैं, आज 8 ही है। ओके, In different parts of Rajasthan, various games are played in different ways. बेटा ये भी पता होगा आप लोगों को कि हर एक स्टेट प्लेस के अलग अलग गेम्स होते हैं। जैसे हम कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो हमारे राजस्थान में खेले जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि वो दूसरी स्टेट में भी खेले जाए। कुछ गेम्स होते हैं पंजाब में अलग गेम के खेले जाते हैं, वैसे ज्यादातर एक ही होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जगह की वजह से नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं, बट तरीका ज्यादातर सबका एक ही होता है। कुछ फेमस गेम्स भी होते हैं, जैसे कोई राजस्थान में पर्टिकुलर गेम खेला जाता है, जो हो सकता है पंजाब में ना खेला जाए, यूपी में ना खेला जाए। तो हर एक जगह के गेम्स भी कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
इन डिफरेंट पार्ट ऑफ राजस्थान. अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी लिव इन राजस्थान. क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं. हमारे स्टेट में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे कि राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह के गेम्स खेले जाते हैं. सबको पता है ये, गांव में भी अलग अलग तरह के, सिटी के बच्चे तो थोड़े से स्टैंडर्ड वाले गेम खेलते हैं, जैसे कि चेस हो गया, लूडो हो गया, इस तरह के गेम्स हो गए घर के अंदर. बट गांव वाले बच्चे क्या करते हैं, बड़ी खुली जगह होती है तो अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं. उस तरह के गेम्स को शहरों में नहीं भी खेले जाते क्योंकि इतनी प्लेस नहीं होती है. तो कुछ गेम्स के नाम है जैसे मारदड़ी, खेलते हो सर? यस मैम. मारदड़ी मुझे नहीं पता कौन सा गेम होता है बट सुना जरूर है मैंने बच्चों के मुंह से. खेलते होंगे बच्चे आप बोल से मारते. चितोलिया ये तो खेलते हैं सब बच्चे, है ना? यस मैम. हाँ, गिल्ली डंडा ये भी खेलते हैं, ज्यादातर बॉयज ही खेलते हैं इसको, ये इतना पता है. हाइड एंड सीक, लुका छिपी जिसे हम कहते हैं, ये भी सब बच्चे खेलते हैं, है ना? Yes, ये तो नॉर्मली सभी खेलते हैं घर के अंदर. yes, ma'am. इसको छोटे बच्चे बाहर भी खेलते हैं. कैच कैच एक्सेट्रा आर कॉमन गेम्स. ये क्या है, कुछ कॉमन गेम्स है जो सब जगह खेले जाते हैं. जैसे हाइड एंड सीक सब जगह खेला जाता है, ठीक है, सितोलिया, गिल्ली डंडा ये सब जगह खेले जाते हैं. नाउ कुछ अलग गेम्स होते हैं. चरभर भी गेम होता है, एक सुना है जरूर मैंने, हालांकि मैंने नहीं खेला कभी. आप लोग खेलते होंगे चरभर? चरभर है, चौपड़. चौपड़ अब तो नहीं है, अब तो जैसे चेस खेला जाता है, पहले के जमाने में चौपड़ खेला जाता था. जो टीवी में आपने देखा होगा था, ऐसे पासे होते हैं दो, उसमें कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं, जैसे आजकल डाइस होता है ना, जैसे सांप सीढ़ी में, वैसे ही लंबे लंबे पासे होते हैं, उसमें चौपड़ होता है, ऐसे प्लस की तरह बना हुआ होता है. जैसे महाभारत में देखा होगा, महाभारत में से वो शकुनी मामा खेलते हैं जो, है ना, चौपड़. लायन गॉड, शेर बकरी वाला गेम कौन सा होता है आपको पता होगा बच्चों? अष्टाचंगा. अष्टाचंगा कौन सा गेम होता है, ये भी खेला है क्या किसी ने? yes, ma'am. yes, ma'am. मैंने, मेरे को नहीं पता इस गेम का बेटा, मैंने नहीं खेला कभी अष्टाचंगा. मतलब ये कुछ कॉमन बच्चों के गेम्स के नाम है, ठीक है. आर प्लेड इन हाउस, आउटसाइड होम्स एंड कोर्टयार्ड्स. देखो कुछ गेम्स हो गए हाउस में खेल सकते हैं, कुछ है हम आउटयार्ड मतलब बाहर खेलते हैं, कुछ कोर्टयार्ड होते हैं. कोर्टयार्ड क्या होते हैं? कोर्टयार्ड मतलब कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको खेलने के लिए एक स्पेशल जगह होती है, जैसे टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, ठीक है. कुछ अलग ग्राउंड होता है, जैसे बास्केटबॉल का अलग ग्राउंड होता है, क्रिकेट का एक अलग ग्राउंड होता है ना. बाकी जैसे गिल्ली डंडा है, सितोलिया है, वो तो हम गली में भी खेल लेते हैं. खेलने को तो क्रिकेट भी खेलते हैं बच्चे गली में, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, सब खेल लेते हैं. बट कुछ गेम्स होते हैं जिनके एक स्टेडियम बने होते हैं, जिन्हें कोर्ट यार्ड कहते हैं, जैसे लॉन टेनिस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्रिकेट हो गया, उसका भी एक स्टेडियम अलग से होता है, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया. गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल. अब देखो कुछ गेम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे भी खेले जाते हैं. ये तो हमने अभी बात की कि ऐसे गेम्स हैं जो घर में खेले जाते हैं, बाहर गली मोहल्ले में हो गए, या स्पेशली कुछ ग्राउंड में खेले जाते हैं. बट इसके अलावा कुछ गेम्स होते हैं कि जो स्पेशली किसी ओकेजन पे खेले जाते हैं, किसी फेस्टिवल पे खेले जाते हैं. जैसे कि इन मेवाड़, सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति. जैसे मेवाड़ जो जगह है, जैसे उदयपुर साइड वाला जो एरिया है ना, जो उदयपुर के आसपास का एरिया है, वहां पे मकर संक्रांति पे सितोलिया खेला जाता है. मकर संक्रांति पे क्या खेला जाता है? सितोलिया खेला जाता है. इसके अलावा काइट्स आर फ्लोन इन वगद. गुजरात में है, जैसे काइट्स उड़ाए जाते हैं मकर संक्रांति पे. और मारवाड़ एंड ढूंढाड़ में, मारवाड़ और ढूंढाड़ हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति पे. ढूंढाड़ किसको कहते हैं? ढूंढाड़ जयपुर के एरिया को कहा जाता है. जयपुर का पुराना नाम क्या था? ढूंढाड़ था. ढूंढाड़ का जो एरिया है हमारे जयपुर के आसपास का एरिया है, इसे ढूंढाड़ कहा जाता था पहले, ठीक है ना. तो यहाँ पे मारवाड़ में जैसे जोधपुर के आसपास का एरिया, मेवाड़ कौन सा एरिया होता है, उदयपुर के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पे क्या मकर संक्रांति पे क्या काइट उड़ाना हो गया, ठीक है ना. इस तरह के गेम्स खेले जाते हैं.
तो ये तो है कि कुछ गेम्स तो बच्चे खेलते हैं, कॉमन गेम्स होते हैं, कुछ गेम्स क्या होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स पे खेले जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि गेम्स के टाइप्स कितने होते हैं, गेम्स के कितने टाइप होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स? तो बेटा गेम्स के कितने टाइप हो गए? देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ games. First number is indoor games. Indoor game. Games. Second. Definition kya hogi? Games that are that played inside the house. Inside house. Such like कौन कौन से हो गए? चेस लूडो हो गया, कार्ड्स हो गए, कार्ड्स भी खेलते हैं ना, कैरम, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, तो ये तो कुछ गेम्स हो गए बेटा जो इंडोर होते हैं, गेम्स दैट प्लेड इनसाइड द हाउस, गेम्स जो घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं, दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। नाउ नेक्स्ट इज अवर आउटडोर गेम। आउटडोर गेम्स, गेम्स दैट प्लेड आउटसाइड और इन इन ग्राउंड, जो बाहर खेले जाते हैं या फिर ग्राउंड में खेले जाते हैं, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, सितोलिया, वॉलीबॉल, सितोलिया, बहुत सारे गेम्स होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे गेम्स हो गए, ठीक है ना। तो बेटा ये तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया गेम्स का, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया गेम्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स, गेम्स दैट प्लेड इनसाइड द हाउस, लाइक चेस, लूडो, कार्ड्स, स्नेक एंड लैडर, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं, बिजनेस वगैरह, बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं घर पे। आउटडोर गेम्स, जो किसी खुले मैदान में या बाहर खेले जाते हैं, गली मोहल्ले में या किसी मैदान में, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सितोलिया, बहुत सारे गेम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, इंडोर एंड आउटडोर, आउटडोर गेम। ओके, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। आउटडोर में कबड्डी भी होता है, खो खो भी होता है, हाँ। कबड्डी क्या है बेटा? नेशनल गेम है हमारा कबड्डी, नेशनल गेम। कबड्डी इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है, ठीक है ना। नेशनल नहीं है, नेशनल तो हॉकी है, स्टेट लेवल का गेम है कबड्डी, ठीक है ना। नेशनल तो हॉकी है हमारा, नेशनल गेम जो है स्टेट का भी कबड्डी है। Okay. When more than one player play together, a feeling or cooperation. देखो, इस चैप्टर में गेम्स बढ़ाने का क्या मतलब हो गया आपको? मैं गेम्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है? आप कोई भी गेम खेलते हो, जैसे आप लोग मिलके, कोई भी अकेला बच्चा कोई गेम खेलता है, अकेला तो वो कुछ छोटे बच्चे होते हैं, घर में बैठ के टॉयज के साथ खेलते हैं, वो होते हैं। बाकी ज्यादातर गेम्स कैसे खेले जाते हैं? मिलजुल के खेले जाते हैं। ये वाले जो आउटसाइड जो गेम्स हो गए, आउटडोर जो गेम हो गए, वो ज्यादातर किसी में, देखो कितने प्लेयर होते हैं, किसी में 11 प्लेयर होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं बेटा? क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं ना। यस मैम। कबड्डी में कितने होते हैं? 11। बैडमिंटन तो दो प्लेयर्स में भी खेला जाता है,
अकेले तो नहीं खेला जाता ना बैडमिंटन भी, एटलीस्ट दो प्लेयर तो चाहिए बैडमिंटन में भी, फुटबॉल में भी प्लेयर चाहिए होते हैं, टेनिस में भी, या वॉलीबॉल ले लो, सितोलिया ले लो, ठीक है। तो अब गेम्स के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? गेम्स के बारे में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि एक से ज्यादा मिलके गेम्स खेलते हैं, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा बच्चे मिलके खेलते हैं। तो मिलके गेम खेलना, एक साथ मिलकर खेलना, इसका क्या मतलब हुआ? गेम्स विच आर व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर ए फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। तो क्या होता है ए फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन? एक दूसरे में सहयोग की भावना। अब देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, आपस में लड़ भी लेते हैं, फाइटिंग कर लेते हैं, बोलते नहीं है, बट जब खेलने का काम हो जाता है मिलजुल के खेलते हैं, मतलब जो खेल भावना जिसे हम कहते हैं गेम, गेम पावर जो होती है एक, मतलब आपस में सहयोग करके कि नहीं, जैसे दो टीम बना देते हैं तो कितना ऐसे हो जाते हैं बच्चे कि नहीं ये तो मेरी टीम का है, ऐसे है वैसे, भले ही वो कितनी आपस में लड़ाई हो रखी हो, लेकिन एक टीम में हो जाते हैं ना जब वो दोनों फ्रेंड्स, मान लो किसी में फाइटिंग हो गई, फिर वो गेम्स में एक ही टीम में हो जाते हैं, तो कितना साथ देते हैं एक दूसरे का, देते हैं ना। आप लोगों भी देख लो, yes, चाहे कितना ही लड़ते हो, लेकिन जब दो टीम बना दी और आप दोनों जने उस एक ही टीम में हो गए, तो एक दूसरे का साथ देते हो ना कि नहीं भाई ये तो मेरे टीम yes, का है, अपने को तो जीतना ही है, अपने को तो गेम विन करना ही है, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या होती है, फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन डेवलप अमंग देम। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब एक खिलाड़ी की खेल की भावना, कि खिलाड़ी जो खेल खेलता है वो किस भावना से खेलता है, सहयोग की भावना से, मिलजुल कर, ऐसे लड़ने के लिए नहीं खेलता है, अपनी टीम को हाथ जिताना है, लेकिन एक तो खेल की एक भावना होती है आपस में, ठीक है। तो इस चीज को पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ए फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन developed among them which is known as a sportsman spirit, जिसे sportsman spirit कहा जाता है, कि आपस में एक खेल की भावना पैदा होती है। game से क्या होता है, एक खेल की भावना पैदा होती है, sportsman spirit पैदा होती है बच्चों में। okay, have you understand? yes ma'am. फिर मैं इसे indoor outdoor हमने पढ़ लिया है। games which are played in a ground are called outdoor games. Games which are played in a close area room called indoor games. Since Doordarshan had started to telecast kabaddi match these days, this game is become popular. आजकल जैसे दूरदर्शन पे कबड्डी का गेम जो होता है बहुत ज्यादा दिखाया जाता है और बहुत पॉपुलर हो रहा है। मैच भी तो दिखाए जाते हैं ना टीवी पे, जैसे क्रिकेट के मैच दिखाए जाते हैं, 2020 सीरीज वो आती है, हर तरह के मैचेस दिखाए जाते हैं, फुटबॉल का भी आता है। Cricket is played on a large ground, but children are seen playing in a small plot also. अब देखो क्रिकेट क्रिकेट बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, सबको पता है क्रिकेट का ग्राउंड होता है, बट बच्चे क्या करते हैं एक छोटे प्लॉट में भी खेल लेते हैं। कोई खाली मैदान होता है पास में, खाली प्लॉट हुआ तो उसमें भी तीन डंडे लगा के विकेट बना देते हैं, बैट ले लेते हैं, ठीक है, वो प्लेग्राउंड बन जाता है उनका, खेलते हैं ना गली में ही, खेलने लग जाते हैं और कुछ नहीं। तो खेलते हो ना आप लोग, खेलते होंगे सब बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, क्रिकेट इज प्लेड इन अ लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इन अ स्मॉल प्लॉट्स आल्सो। नाउडेज पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। अब चलो चैप्टर में अब आगे आपके क्या बताया गया है, किसके बारे में, ये तो गेम्स की बात थी कि कौन कौन सी गेम्स होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल ये हमने देख लिया। गेम्स खेले क्यों जाते हैं, एक साथ मिलके खेले जाते हैं, क्यों खेले जाते हैं, इसमें क्या होती है, आपस में खेल भावना होती है, सहयोग की फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, ये चीज होती है, खेल की सहयोग की भावना होती है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्या इस वजह से गेम्स खेले जाते हैं ये जो, और इसके साथ साथ में हमने पढ़ लिया अभी, क्या पढ़ा था हमने कि कुछ गेम्स है कि जिनके लिए स्टेडियम होता है, बट उनको हम बच्चे अपने हिसाब से जैसे प्लेस मिलती है वैसे ही खेल लेते हैं उसको। Then, इसके बाद में चैप्टर में आपके किसके बारे में बताया गया है,
कि हम लोग आजकल क्या हो गए हैं, सब अपने हेल्थ को लेके बहुत अवेयर हो गए हैं। किसको लेके? हेल्थ को लेके, हेल्थ को, हेल्थ को लेके अवेयर हो गए हैं। तो लोगों का ध्यान आजकल कहाँ ज्यादा आ रहा है? इसमें योगा। देखो वैसे भी आजकल हेल्थ का चल ही रहा है, ये तो चलो चैप्टर में बताया है। वैसे भी आजकल जैसे कोरोना जैसी बीमारियां आ गई है, तो हेल्थ को लेके सभी अवेयर हो गए हैं धीरे धीरे, ठीक है। और कोई, क्योंकि योगा जो है दवाइयों से भी क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी बीमार होता है, दवाइयां लेता है, उससे भी क्या होते हैं, दवाई से भी फायदा होता है हर चीज में। दवाइयां भी क्या होती है, एक टाइम पे अपने शरीर में नुकसान ही करती हैं, उनके भी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो जैसे, लेकिन ये जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें, जैसे हमने कोरोना काल जो था, अभी कोरोना टाइम में क्या देखा है, लोगों ने काढ़े पीने में ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छे अच्छे फल सब्जियां, सलाद, सैलेड खाना, इसके अलावा एक्सरसाइज करना, और नेचुरल जो हर्बल जो चीजें होती हैं, जैसे नीम तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, दालचीनी जो हो गया, ये सब जो चीजें होती है हमारी आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं, इन सब को काम में ज्यादा लिया जाने लग गया। काढ़े बनाने लग गए, जो वो सब काढ़े पी रहे, काली मिर्ची, तुलसी, लौंग, इलायची डाल डाल के, है ना, ठीक है ना। तो और इसके अलावा योगा पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं लोग आजकल, क्योंकि योगा हर बीमारी का इलाज है। योगा क्या होता है, एक तरह की एक्सरसाइज होती है बॉडी की, हर एक बीमारी का इलाज होता है योगा। योगा से क्या होता है, हमारा शरीर भी फिट रहता है, मेंटली हेल्थ भी ठीक रहती है हमारी, मतलब मन भी शांत रहता है, दिमाग भी शांत रहता है, हर चीज का इलाज होता है योगा। एक तरह की एक्सरसाइज होती है कुछ तरह की, ये जो आज के टाइम में देखें तो लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं और किस पे ध्यान दे रहे हैं, योगा पे। योगा आजकल स्कूलों में भी बड़ी बड़ी बहुत सारी स्कूल है यहाँ, जहाँ पे योगा क्लासेस भी चलाई जाती है। अब ऑनलाइन भी चल रही है वो, क्योंकि स्कूल वैसे तो चल नहीं रही, लेकिन ऑनलाइन भी योगा की क्लासेस चलती है। तो इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे हम कि योगा है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। योगा इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर टुडे, आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है योगा। क्यों हो गया है? क्योंकि इससे हेल्थ को जो जो फायदे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। योगा में देखो सूर्य नमस्कार आता है क्या बच्चों, कभी आपने योगा किया है? योगा करते हो क्या कोई बच्चा? उसे किसी के पेरेंट्स करते हो तो साथ में करते हो, आप लोग भी करते हो क्या योगा? योगा में एक सूर्य नमस्कार किया जाता है, देखा है कभी किसी के पेरेंट्स करते हो तो? सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में क्या होता है, अलग अलग तरह के फेजेस होते हैं, मतलब इसमें 12 तरह की एक्सरसाइज होती है। जो सूर्य नमस्कार होता है ना, इसमें 12 तरह की, जैसे इस तरह से करना, फिर ऊपर हाथ करना, आगे पीछे नीचे बैठ के, तो 12 तरह की मूवमेंट होती है, फेजेस होते हैं, 12 टाइप्स के फेजेस होते हैं। ओरिजिन ऑफ योगा हैव बीन स्पेशल टू डेट बैक ऑफ प्री वैदिक इंडियन। देखो योगा जो है, योग करना, ये आज का नहीं है, ये अभी अभी शुरू नहीं किया लोगों ने, ये बहुत साल पहले हमारे वेद पुराण, महाभारत, रामायण जब से थी ना, तब से, जब ऋषि मुनि थे, जब उस समय योगा की शुरुआत हुई थी, तभी तो ये इतनी अच्छी चीज है, लोग अब इसको अपना रहे हैं, अब इसके फायदे देख रहे हैं। उस समय की चीज है ये योगा जो है, जो वैदिक, जो हमारा प्री वैदिक जो इंडियन टाइम था, उस समय की बात है। प्रैक्टिस ऑफ योगा, इसके अलावा जो हमारा ऋग्वेद जो है, हमारा सबसे पुराना सबसे पहला वेद है ऋग्वेद जो है, उसमें योगा के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले जमाने के लोग जो थे उस समय किसी तरह के कोई डॉक्टर, दवाइयां ये तो थे नहीं, वैद्य होते थे आयुर्वेदिक, कोई ऐसा बीमार भी नहीं होता था इतना, क्योंकि लोग क्या करते थे, इस पे ध्यान देते थे ज्यादा, योगा पे, ठीक है ना। तो हर बीमारी का इलाज यही होता था। अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ मुड़ते जा रहे हैं, नहीं कहते कि जैसे कोई भी चीज है, कोई भी फैशन होता है आजकल, तो पुराना फैशन ही वापस आ रहा है हर चीज में, चाहे कपड़ों को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, कि आजकल तो पुराना फैशन ही वापस आ रहा है, तो पुरानी चीजें ज्यादा अच्छी हैं, तो वही चीजें घूम फिर के आ रही हैं। अब योगा, लोगों को टाइम ही नहीं है अपने, इतनी हर चीज में बिजी हो गए हैं, अपनी लाइफ में इतनी बिजी, इतनी टेंशन है आजकल, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन, बड़ों को क्या, बच्चों को इतनी टेंशन है आजकल। वैसे हम सोचते हैं कि अरे हम बच्चे बन जाए, पर आजकल तो बच्चों को इतनी टेंशन है, इतनी बुक्स है उनकी, इतनी पढ़ाई लिखाई, आज ये क्लास है, आज वो है, आज ये है, आज ये है,
आजकल तो बच्चों को भी इतनी दुनिया भर की टेंशन है, इसलिए तो ज्यादातर बीमारियां हो रही है बच्चों को, किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी के कुछ हो गया, कभी किसी बच्चे को कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो गया, सारा दिन फोन रखते हैं तो आईज वीक हो जाती है जल्दी। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले जो थी बहुत लिमिटेड चीजें थी, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए तो लोग ज्यादा सुखी थे, पैसे का लालच नहीं था लोगों को। आजकल सबको तो पैसों की टेंशन काम की रहती है, क्या कि क्या करें, फिर ऐसी कोरोना जैसी बीमारियां आ जाती है तो लोग वैसे मुश्किल में आ जाते हैं। इस वजह से अब धीरे धीरे लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ देखो, एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से क्या हुआ, सब कुछ काम धंधे लोगों के सब बंद हो गए। कभी ऐसा, आप तो चलो छोटे हो, हमें भी आज इतने 30, 40 इयर्स के आसपास हो गए, हमने भी कभी कुछ बंद देखा ही नहीं आज तक, कभी इतने सालों में, कि कुछ मार्केट भी बंद हो, सब कुछ बंद हो, कोई रोड पे कोई भी सिंगल भी इंसान नहीं हो, ऐसा कभी देखा ही नहीं है। बट अब देखो, अब ऐसा देखने को हो गया, लॉकडाउन हुआ था जब कैसे बिल्कुल सुनसान, साफ सुथरा, कोई पॉल्यूशन नहीं था। अब सोचो, इससे तो पहले वाला जमाना ज्यादा अच्छा था। क्या हो गया, कौन बोल रहे बेटा, ये कुछ पूछ रहे हो क्या आप? नो मैम। अच्छा, पता नहीं मुझे किसकी आवाज, कौन बोला था अभी, कौन सा बच्चा? मैम नरेश बोला था। नरेश बोला था, नरेश सुनना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैम जो बता रही है? बीच में क्या लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या? मैम आ रहा है, मैम आ रहा है, आराम से सुनो, मैम भी आ रहा है, प्रॉपर्ली सुन लो बेटा अच्छे से, वैसे भी क्लास ओवर होने का टाइम हो गया अभी अपना, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि आज के टाइम में जो इस तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो लोग हेल्थ को लेके, अब कोरोना में देखो लोगों को अपनी जान की फिक्र थी और कुछ भी नहीं था, भाई काम धंधे सब बंद हो गए, सब कुछ, बस लोगों को अपनी फिक्र थी कि हाँ हम बच जाएं, बस हमें बीमारी ना हो। तो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए हैं लोग, बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके अवेयर हो गए, इसलिए ज्यादातर पॉपुलर क्या हो गया आजकल, योगा हो गया है। योगा, योगा के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कब मनाया जाता है। हमेशा ये 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे आता है, 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल से कि योगा से क्या क्या फायदे होते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या फायदे होते हैं योग करने से, और बड़ों को क्या क्या फायदे होते हैं, इस सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा। बाय बाय। बाय मैम। नरेश।